कोई फ़ायदा नहीं, अंग्रेज़ी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अंग्रेज़ी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, अंग्रेज़ी सीखने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। वेल गाइज, अब आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता, बस आप मेरे साथ इन दो फ्रेजेस को रट लो। पहला है नो यूज़ ऑफ, जिसका मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं, एंड दूसरा है हाउ लॉन्ग, जिसका मतलब होता है कब तक। तो गाइस बने रहिए अंत तक। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। अंग्रेजी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह के सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिपेंटिंग, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिपेंटिंग। नेक्स्ट है, यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ कमिंग हेयर, इट इज़ नो यूज़ ऑफ कमिंग हेयर। नेक्स्ट है, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ वीपिंग, इट इज़ नो यूज़ ऑफ वीपिंग। नेक्स्ट है, अब अंग्रेज़ी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग इंग्लिश, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर। सो गाइस, अभी जो आपने एग्जांपल्स देखा है वो पहला फ्रेज नो यूज़ ऑफ का था, और अब जो आप एग्जांपल देखेंगे वो हाउ लॉन्ग का होगा। हाउ लॉन्ग, जैसे आप यहाँ कब तक रहोगे, आप मेरी कब तक सहायता करोगे, आप यह वीडियो कब तक देखेंगे और तुम कब तक यहाँ खेलोगे। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बनाया जाता है अब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह के सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हाउ लॉन्ग प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर एंड दिस फ्रेजेस। सो लेट्स स्टार्ट एट आवर फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज, आप यहाँ कब तक रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू लिव हियर, हाउ लॉन्ग विल यू लिव हियर। आप मेरी कब तक सहायता करोगे, How long will you help me? How long will you help me? आप यह वीडियो कब तक देखेंगे, How long will you watch this video? How long will you watch this video? तुम कब तक खेलोगे, How long will you play? How long will you play? तुम कब तक इंतज़ार करोगे, How long will you wait? How long will you wait? So guys, that's all for today. गाइस, आज हमने जो दो फ्रेज सीखा है उसका प्रैक्टिस आप मिरर के सामने या अपने मोबाइल के जरिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश और पकड़ तुरंत आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।